गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 126. चैप्टर इज मनी. मनी क्या होता है? मनी मीन्स पैसे होते हैं ना. तो वी ऑल गो टू मार्केट और शॉपिंग मॉल्स टू परचेज थिंग्स. हम सब कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है? मनी की नीड होती है. वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए. अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम परचेस नहीं कर पाएंगे कुछ भी. सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट में आपका जो पिक्चर है वो 1 रुपीज़ का है. ठीक है, 1 रुपीज़ का जो फ्रंट साइड होता है वो ऐसा होता है, बैक साइड ऐसा होता है. ओके, सेकंड में आपका 2 रुपीज़ का कॉइन है. फ्रंट में ऐसा होता है, बैक साइड जो 2 रुपीज़ का कॉइन है वो ऐसा होता है. ओके, थर्ड में आपका 5 रुपीज़ का कॉइन है. फोर्थ में जो है वो आपका 10 रुपीज़ का कॉइन है. ओके, ऐसा होता है 10 रुपीज़ का कॉइन. कम टू पेज नंबर 127. 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. ठीक है, 1 रुपीज में जो 1 रुपीज है वो किसके इक्वल है? 100 पैसे के. क्लियर? जो फर्स्ट में पिक्चर है वो 5 रुपीज की नोट है, सेकेंड में 10 रुपीज की नोट है, थर्ड में आपके 20 रुपीज की नोट है, फोर्थ में आपके 15 रुपीज की नोट है, फिफ्थ में आपके 100 रुपीज की नोट है, सिक्स्थ में आपकी 500 की नोट है, और जो लास्ट है वो उसमें क्या है, 1000 रुपीज की नोट है. ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो 1000 की नोट है वो बंद हो गई है. ठीक है, अभी 200 की नोट आ रही है, और जो 500 की नोट है वो चेंज हो गई है. मीन्स सारे नोट अभी जो प्रेजेंट टाइम पे चेंज हो गए हैं आपके. क्लियर? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है, 1 रुपीज में आपको 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए होंगे? 2 कॉइन्स चाहिए होंगे. ठीक है, तब वो आपका 1 रुपीज बनेगा. 50 पैसे के अगर 2 कॉइन्स हैं तो वो किसके इक्वल होगा? 1 रुपीज के. क्लियर? 1 रुपीज के लिए आपको 25 पैसे के कितने कॉइन चाहिए होंगे? 4 कॉइन्स चाहिए होंगे. ये 25 पैसे का कॉइन है. ठीक है, तो हमको 25 के 4 कॉइन्स चाहिए होंगे, तब वो 1 रुपीज के इक्वल होगा. थर्ड में 1 रुपीज जो 10 पैसे हैं उसके कितने कॉइन्स चाहिए होंगे हमें? 10 कॉइन्स चाहिए होंगे, तब वो किसके इक्वल होगा? 1 रुपीज के इक्वल होगा. क्लियर? टर्न योर पेज नंबर 128 पेज नंबर पे है. एड एंड राइट द टोटल इन लास्ट कॉलम. हमें इन्हें ऐड करना है. ठीक है, फिर लास्ट में इनको क्या कर देना? टोटल करना है. ओके, तो फर्स्ट में आपके 10 रुपीज़ के कॉइन है. ओके, तो कितने कॉइन्स है? 10 के. 1 2 3 मीन्स 10, ये 20 30. 10 10 आप ऐड करोगे, 10 10 10. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 3 हो जाएगा, है ना. जब 10 रुपीज़ के 3 कॉइन्स है तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 30 रुपीज़ हैं. 30 रुपीज़. क्लियर? सेकेंड में आपके 1 रुपीज़ के कॉइन है. ठीक है, तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 1 2 3 3 कॉइन्स है. मीन्स टोटल आपका जो 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स हैं. थर्ड में आपके 2 रुपीज़ के कॉइन है. 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 1 2 3 4 4 कॉइन्स हैं. मीन्स 2 को आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा. ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. ठीक है, अब 2 2 को ऐड करोगे, 2 प्लस 2 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8 आ जाएगा. ठीक है, तो जो 2 रुपीज़ के 4 कॉइन है वो उनका एड कितना आएगा? 8 आएगा. फोर्थ में आपके 10 रुपीज़ के नोट हैं. ठीक है, 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 1 2 3 3 हैं. तो जब 10 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा. ये 10 रुपीज़ के नोट है, 1 2 और 3. ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. क्लियर? लास्ट में है 50 रुपीज़ के नोट हैं. 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 2 नोट हैं. 50 प्लस 50 करोगे आप,
50 50 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 00055 कितना होता है, 10 होता है, 50 50 100 होगा, ठीक है। टोटल आपका 50 50 के 100 नोट हैं, सॉरी 50 50 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 100 आएगा, ओके। एक 100 की नोट ये है और एक ये है, ठीक है। आप जब इनको 100 100 ऐड करोगे, सॉरी 50 है, 50 50 के 2 नोट है तो आपका ये 100 बन जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन ऐड करेंगे काउंट, ठीक है। टोटल करना है 30 प्लस 3 33 33 में 8 ऐड किया कितना आएगा, 41 होगा, ओके। ये देखिए, ये 30 आपका हो गया, ठीक है। 30 में हम 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 30 में 3 ऐड करेंगे 33 आएगा, ओके। अब 33 में आपको कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है, ठीक है। हमने 33 में 8 ऐड किया, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 कितना होता है, 11, 11 की 1 आएगी, 1 यहाँ, ठीक है, 41 हो गया। 41 में अब 30 ऐड करेंगे, 41 में 30 ऐड किया, 71 में 100 ऐड करेंगे, 171, ठीक है। आपका टोटल अमाउंट कितना है, टोटल करने में आपका 171 आएगा, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया, क्लियर। कम टू पेज नंबर 129 पेज में मैच द अमाउंट, ठीक है, मैच करना है। ये 50 पैसे की कॉइन है, ठीक है, 50 पैसे की कॉइन यहाँ, और 50 को 50 पैसे और कहाँ होंगे, ये 10 पैसे, 10 पैसे को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 50 पैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको मैच कर दोगे, 5 रुपीज़ की नोट है, ठीक है। अब यहाँ 5 रुपीज़, ये 10 10 20 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे ऐड करोगे तो 1 रुपीज़ बनेगा हमको, 5 रुपीज़, तो ये 2 प्लस 2 प्लस 1 करोगे, 2 के कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, 2 रुपीज़, और 1 का 1 कॉइन है, तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, मीन्स इसको आप इससे मैच करोगे। 1 रुपीज़ की कॉइन ये है, 50 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपीज़ होता है, इसको आप इससे मैच करोगे, ओके। 20 रुपीज़ की नोट ये है, 10 के कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, 10 के जो 2 कॉइन्स हैं उनको ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, इसको इससे मैच कर दोगे। 2 रुपीज़ का 1 कॉइन है, 1 1 के 2, 1 1 को जब 1 1 के 2 कॉइन्स हैं उसको ऐड करोगे 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आप इससे ऐड कर दोगे। अब आप पेज नंबर 129 तक कंप्लीट कर लीजिएगा 10 चैप्टर, ओके।